यह है मेरी बड़ी बेटी तान्या, काफी टाइम से दिल्ली में डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स कर रही थी। तान्या मेरी एक्स। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी कार्तिक। तो तुमने गलती करी थी, वो माफी के लायक नहीं थी। सबर कर, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। तू यहाँ क्या कर रही है? पापा वो कार्तिक, मैं इसे जानती हूँ पापा। मैं कल से ही सोच रही थी कि मैंने इसे कहीं तो देखे, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर सोते सोते सुबह जस्ट मुझे याद आया कि मैं इसे दिल्ली में मिली थी 2 साल पहले। तू भी बच्चों जैसी बातें कर रही है। अरे ये बात सुबह भी कंफर्म की जा सकती थी। खैर, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से। नहीं तो कई बार मन में ये ख्याल आता था कि घर में दो दो जवान बेटियां और छड़े किराएदार को रख के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। डोंट वरी पापा, आई नो हिम, ही इज अ गुड गाय। हाँ बदल गया हो तो पता नहीं, पर वैसे दिल से बहुत अच्छा है ये। बेटा कार्तिक, तुम कल मिले थे ना तान्या से, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि तुम पहले मिले हो कहीं? नहीं अंकल जी, मेरे दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि मैं तो कब का भूल गया था ना इन्हें। मैं ना बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। सच पूछो तो अंकल जी, मुझे ये नहीं याद कि मैंने कल कौन से कपड़े पहने थे। ये तो फिर भी 2 साल पुरानी बात है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने कुछ आके बताया मुझे कि कॉलेज टाइम में ऐसा होता था, ये किया था, तो कुछ फ्लैशबैक घूम रहे मेरे माइंड में, आ रहा है याद, मिले हम पहले भी। वाह रे खुदा, तेरे भी रंग निराले। वाह, क्या इत्तेफाक है कि दो जान पहचान वाले लोग दोबारा अनजान बनकर मिल रहे हैं। बेटा आज तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने को बड़ा मन है, चलो नाश्ते की तैयारी करते हैं। चलो। अब कार्तिक तुम भी आ जाने चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, आलू के पराठे तुम्हारे भी तो फेवरेट होंगे ना। अब सबके ही होते हैं। हाँ बेटा आ जाओ, इकट्ठे करते हैं नाश्ता नीचे। अरे इतने दिनों बाद मिले हैं, कॉलेज की बातें हो जाएगी और मेरे साथ कोई गपशप हो जाएगी, है ना? आओ बेटा आ जाओ। ये लो भैया, क्या बात, सुबह सुबह आपने दुकान से एनर्जी ड्रिंक मंगवा ली। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बस वो थोड़ा सा बीपी। कोई बात नहीं, मेरा छोड़ भाई, तेरा चेहरा क्यों उतरा है राजू, ठीक तो है सब घर परिवार? अरे कुछ नहीं भैया, सुबह में वो नहा रहा था ना तो मैंने देखा कि मेरे बाल बहुत पतले हो रहे हैं और हेयर फॉल तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे भाई ये तो सच में टेंशन वाली बात है यार, इस उम्र में ये सब प्रॉब्लम्स, इसका कारण पता क्या है? आजकल ये बढ़ता पोल्यूशन और हमारे बालों को सही न्यूट्रिशन ना मिल पाना। सही बात है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बालों को न्यूट्रिशन कहाँ से दूँ, कौन सा तेल लगाऊँ या फिर कौन सा शैम्पू या फिर कौन सी देसी नुस्खा। ब्रो मैं समझाता हूँ तुझे, तुझे जिस वक्त ज़रूरत है मोस्टैक के सुपर पावरफुल हेयर ग्रोथ कॉम्बो की, जो तेरे बालों की थिकनेस बढ़ाएगा, बाल पतले होने से बचाएगा और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगा। इस कॉम्बो में आता है मोस्टैक का आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ ऑयल और मोस्टैक का हर्बल शैम्पू। इसमें 14 कोर प्लस नेचुरल ऑयल जो तेरे बालों को तरह तरह के न्यूट्रिशन देंगे जो तेरे बालों को चाहिए रहते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल नहीं दे पाएगा। तुझे नहाने से पहले अच्छे से अपने बालों में ना इस ऑयल से मसाज करनी है और 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। भाई ये ऑयल बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशंस डाले गए ना वो अपने बालों को चाहिए होते हैं। ब्रो ये ऑयल तेरे बालों को सुपर हेल्दी करेगा, थिक करेगा, बाल पतले होने से बचाएगा और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को धीरे धीरे खत्म कर देगा। ये ऑयल अप्लाई करने के 30 मिनट बाद हेयर वॉश करना है मोस्टैक के ही हर्बल शैम्पू के साथ। भाई ये नॉर्मल शैम्पू नहीं जो मार्केट में ऐसे ही मिल जाता है, इसके अंदर ऐसे हर्ब्स हैं जो तेरे बालों को वो सब न्यूट्रिशन देंगे जिससे तेरी हेयर फॉल भी खत्म हो जाएगी, तेरे बालों का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और तू बहुत स्मार्ट दिखने लग जाएगा। वाह थैंक यू भैया, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। अच्छा ये बताओ इसको खरीदूँ कहाँ से?
प्रो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी दी है, वहाँ से जाके खरीद ले, अभी खरीद ले क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल चालू है, ये कॉम्बो तुझे बहुत सही प्राइस में मिलेगा, अभी खरीद। सेम एज टू यू दोस्तों, अगर आपको भी बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये कॉम्बो को एक बार जरूर ट्राई करें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, मुझे आए हैं पर्सनली, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके बाय करें। चल ठीक है दोस्त, चलता हूँ यार फिर, मुझे भी नहाना है। ठीक है, व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, तुम ऑलरेडी मेरी बहन को जानते हो, अमेजिंग। लेकिन तुमने क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? सॉरी सान्या, मेरे तो ध्यान में ही नहीं था यार, कैंपस में इतने लड़के इतने लड़कियां थी, उन्हीं में से तुम्हारी एक बहन भी थी, ये तो सुबह तुम्हारी बहन की याद दिलवाने के बाद मेरे ध्यान में आया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो खुश हूँ, मेरी बहन को भी तुम पसंद हो। क्या मेरे लिए? और क्या यार, जब से नीचे आया ना, तुम्हारी तारीफ किए जा रहे हैं पापा के सामने, लड़का अच्छा है, इनोसेंट है, ये वो। अब वो तो तुम्हें कॉलेज टाइम से जानते हैं, इसलिए ये सब बोल रहे हैं, नॉर्मली तुम्हारी क्वालिटीज बता रहे हैं यार पापा को। लेकिन ये देखो कि पापा के सामने ना तुम्हारी कितनी सही इमेज बन रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। सही है, ये तो वाकई खुश होने वाली बात है, एक बार पापा राजी फिर बेटी भी राजी। सुनो सान्या, मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर मिले यार, बहुत दिन हो गए, तुमसे ना बहुत बातें करनी है यार। हाँ चल सकते हैं, मुझे ना कोई अच्छा सा बहाना ढूंढना पड़ेगा घर से बाहर निकलने का। लेकिन अभी तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ, तुम्हारी साली ने अपने जीजू के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ बस। आई दीदी, चलो यार जल्दी से आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके बाय। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइफ में पहली बार बाय वन गेट वन का ऑफर बुरा लग रहा है मुझे। कैसा लगा मेरी सिस्टर के हाथ का पराठा? माइंड ब्लोइंग। कसम से यार, तुम्हारे हाथ में ना कुछ जादू है, तुम्हारे जैसे आलू का पराठा ना कोई नहीं बना सकता, कोई बीट नहीं कर सकता। मुझे भी खाना है यार, तुम तो खा के ही होगी ना ऑलरेडी। ये क्या बात कर रही है, मैंने सोचा था इकट्ठे खाएंगे। तुम घर देखो। हाँ टेस्टी है काफी, अच्छा है। कार्तिक पराठा। थैंक यू। वाह खातिरदारी हो रही है। छोड़ो यार बस। अच्छा पापा, मैं क्या सोच रही थी कि आज संडे है तो मैं मेरी फ्रेंड के घर चल जाऊं, कुछ काम तो नहीं घर पे ना बेटा। यार बहन तू आज का कैंसिल कर सकती है क्या प्लीज, अगले संडे चली जाना, मुझे मार्केट जाना था, आज बहुत सारे काम करने हैं, मैं सोच रही तेरे साथ चलती हूँ। चलो ठीक है दीदी, साथ चलते हैं मार्केट, अगले संडे चली जाऊंगी। बेटा एक काम करो ना, कार्तिक को भी ले जाओ साथ में, आज इसकी छुट्टी है और संडे है, और इसको गाड़ी चलाना भी आता है, कहाँ ऑटो रिक्शा में धक्के खाओगे, और सामान रखने में कितना आराम मिलेगा, है ना? क्यों बेटा कार्तिक? बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। कार्तिक चलोगे हमारे साथ? नहीं, आई मीन मेरा क्या काम, तुम लोगों ने शॉपिंग करनी है, मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाकर, लड़कियों की शॉपिंग में लड़कों को कोई काम नहीं होता, आप लोग जाओ ना। कार्तिक चलो ना, हमें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी गाड़ी में सामान रखने की। चलो ना प्लीज़ कार्तिक,
वैसे भी इतने टाइम बाद मिले हैं, पुराने कॉलेज की कुछ बातें हो जाएंगी। परफेक्ट, बस डन है। बेटा मैं तो मैं, मेरी बेटियां भी तुम पे भरोसा करने लगी। अरे तुम साथ रहोगे ना तो अपनी तो टेंशन खत्म। ठीक है अंकल जी। बस फिर इट्स फाइनल, हम आधे घंटे में तुम्हें तैयार होकर मिलते हैं, तुम भी आ जाओ। हाँ दी, मैं आगे बैठ जाऊँ? वो मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम रहता है ना, तो पीछे बैठ के ठीक नहीं फील होता, आगे बैठ के ठीक रहता। अच्छा अच्छा, थैंक यू दी। मैं क्या करने जाऊंगा, तुम लोग जाओ ना। अरे चलो ना कार्तिक, प्लीज मजा आएगा। हाँ अभी यहाँ तक आयो तो चलो। नहीं नहीं यार, तुम लोगों ने शॉपिंग करी, आराम से शॉपिंग करो। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा काम है, दो तीन फोन कॉल्स करने हैं मुझे, मैं इतने वो काम निपटाता हूँ, अपनी शॉपिंग निपटाओ। इधर ही आ जाना, मैं इधर ही खड़ा हूँ। चलो ठीक है, हम आते हैं। कार्तिक गाड़ी अनलोड करना। हम अभी आते हैं। कोई बात। कृष्ण भाई यार कुछ हेल्प करे यार, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। सान्या को ना सब सच बताना चाहता हूँ, लेकिन यार कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा। अबे लेकिन आज तो तू उसे कहीं खोपचे में लेके जाने का प्लान कर रहा था ना। हाँ यार, लेकिन उसी खोपचे में तान्या भी साथ में आ गई, अब दोनों को मार्केट घुमा रहा हूँ। वाह बेटे वाह, क्या किस्मत है तेरी, हमें यहाँ एक नहीं मिलती, तू दो दो के मजे ले रहा है। अच्छे करम है। करम करम फूट गया भाई मेरे। इससे बुरी किस्मत किसी की नहीं होगी यार, मैं ना बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरे को सच में ऐसे डर लग रहा है। जब सान्या को सब पता चलेगा तो यार ये एक्ट करेगी यार, मैं कैसे दलदल में फंसता जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई देख, ये छुपन छुपाई का खेल ना ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तू आज कैसे भी करके सान्या को सब कुछ सच बता दे। अगर सान्या को कहीं और से सच पता लग गया ना तो तू उसकी नजरों में बी ग्रेड हो जाएगा यार। अब कार्तिक को कॉल करती हूँ ना। अरे हाँ, तेरे पास उसका नंबर भी है? हाँ पापा जी ने दिया था इमरजेंसी के लिए। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई फोन रखे, मैं देखो बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ जी सान्या। हेलो कार्तिक, तुम्हारे पास 800 रुपीज कैश हैं? एक्चुअली हम जिस शॉप पे शॉपिंग कर रहे थे ना, वो हमारा पेटीएम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कैश नहीं हमारे पास। हाँ हाँ पड़े हैं 800 रुपये तो पड़े हैं। कहाँ पे खड़े हो आप लोग? हम पोटी सिल्क स्टोर। अरे पागल ध्यान से पढ़। बोटी सिल्क स्टोर लिखा है, उसका सी निकला हुआ है छोटू सा। अब हम बोटी सिल्क स्टोर पे खड़े हैं। हाँ मैं समझ गया, वो अर्बन एक्स के बैक साइड है ना। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है ओके, इज कमिंग। थैंक यू। आप लोग खड़े हो, मैं लेके आती हूँ।
ओके। तुम सच में भूल गए थे मुझे? हाँ, और ये बात मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, तुम भी प्लीज भूल जाओ यार, तुम्हारे सच में बहुत बेहतर होगा। नहीं भूल सकती कार्तिक, तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाकर ही रहूंगी। ये बात तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं होने वाला, अब जिद छोड़ दो। ये जिद नहीं है कार्तिक। जिद नहीं है तो फिर क्या? क्या हुआ, क्या बातें शातें हो रही है मेरे साथियों के बीच? कुछ नहीं, बस वो कॉलेज की पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो बस वही। हाँ। अच्छा गाइस, वो सब छोड़ो, आइसक्रीम खाने चले। इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है? ठंड में आइसक्रीम कैसे खा लेती हो तुम? मुझे तो देख देख के ठंड लग रही है तुम्हें। बहुत टेस्टी खा रही हो। मैं नहीं खा रहा, तुम ही खा लो। मर्जी है। तुमने खाई, मैंने खाई, एक तो बात है। चलो। चलो। थैंक यू। यार, तुम्हें नहीं पता, सर्दी में आइसक्रीम खाने का ना मजा ही कुछ और है। सच में कुछ चीजों में ना मेरी बहन बिल्कुल मुझ पर गई है। चले। हाँ चलो। हाँ चलते हैं। तुम लोग इधर ही रुको, वो देखो वो सामने खड़ा आइसक्रीम वाला, मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। कौन सा फ्लेवर लोगे आप? वेनिला। और आप? तुम्हें पता तो है स्ट्रॉबेरी सभी लड़कियों का फेवरेट होता है। अच्छा, शायद होता होगा, मुझे ऐसे इतना पता नहीं है क्योंकि मेरे लड़कियों के साथ ना अच्छे एक्सपीरियंस रहे नहीं अभी तक। तुम लोग रुको इधर ही, मैं आता हूँ। अभी भी कितना इनोसेंट दिखता है यार ये। सच में बहुत इनोसेंट है। पता है आजकल ऐसे लड़के ना बहुत कम मैन्युफैक्चर होते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसा लड़का है यार ये। ये तो है। पता है सान्या, जो लड़के किसी लड़की का दिल जीत सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। सच में दीदी? बहुत मुश्किल से दोबारा लाइफ में दस्तक दी है इसने, पर बहुत जल्दी इसकी नफरत को प्यार में बदल दूंगी मैं। हाँ हाँ सान्या, तुम पूछ रही थी ना वो लड़का कौन है, और मैंने कहा था कि वक्त आने पर बताऊंगी, बाकी का तो पता नहीं, पर तुम्हें आज बता देती हूँ। कार्तिक ही वो लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। He's the love of my life. 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 हाँ सॉरी, हाथ से फिसल गया था। आप कार्तिक को प्लीज प्लीज क्यों बोल रहे हो? वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। क्या हुआ, क्या बातें चाहते हो रही है मेरे साथियों के बीच? किरायेदार बनने से पहले हमारे जीजू भी रह चुके। सब कुछ खराब कर दिया मैंने। मुझे कभी तान्या से इतनी अटैचमेंट थी ही नहीं। Hey guys, I hope आपको थर्ड एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। सॉरी फॉर दैट डिले यार, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है। सो फोर्थ एपिसोड भी बहुत जल्दी आएगा और आप देख रहे होंगे कि स्टोरी अब कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आपका क्या इसके बारे में सोचना है कि अब आगे क्या मोड़ लेगी ये स्टोरी, क्या होने वाला आगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और मोस्टैक का हेयर केयर कॉम्बो ज़रूर ट्राई करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं फोर्थ एपिसोड के साथ जल्दी।